आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है डिजिटल सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स का ये टॉपिक है। ओके एंड डिजिटल सिस्टम डिजिटल सिस्टम का मतलब ये है कि हमारे पास जो क्या कहते हैं सिस्टम डील्स विद क्वांटिटीज ऑफ वेरिएबल्स हैविंग ओनली टू डिस्क्रीट वैल्यूज। ठीक है, अ सिस्टम डील्स विद variables system deals just one minute actually the system deals with variables which has only two discrete values which have only two discrete values but pehle bhi main discrete ke bare mein bata chuka hu discrete values it's mean discrete ka matlab hota hai सिंगल सेपरेट। ठीक है, नो वन इज मिक्सिंग विद वन। जैसे डिस्क्रीट है, फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है हमारे पास एक्स, तो एक्स की टू वैल्यूज हैं, या तो वो जीरो है या वो वन है। अच्छा, जीरो की जगह हम ऑफ भी लिख सकते हैं, ऑफ लिखेंगे तो इधर वन की जगह क्या लिखेंगे, ऑन। इसी तरह यहाँ पर हम लिख सकते हैं नो और इधर हम लिख सकते हैं यस। ठीक है, इसी तरह हम इधर लिख सकते हैं फॉल्स और इधर हम लिख सकते हैं ट्रू। और यहां पर हम यूज कर सकते हैं लो सिग्नल, लो वोल्टेज, और इधर हम लिख सकते हैं हाई वोल्टेज। ठीक है, तो दीज आर क्लोज्ड एंड ओपन भी हो सकता है। ठीक है, वो ज्यादा आपको पता है क्लोज, तो इसके लिए आएगा ओपन। ठीक है, ओपन, और इसके लिए आएगा क्लोज। System deals with variables which have only two discrete values. जी, यहां देखें आप, हमारे पास एक्चुअली एक वेरिएबल x है, तो इसकी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। दिस इज अ डिजिटल सिस्टम कि एक वेरिएबल की टू डिस्क्रीट वैल्यूज हों, डिफरेंट वैल्यूज हों। तो बल्ब ऑन है, ऑफ है, स्विच ओपन है या क्लोज है, वोल्टेज लो है या हाई है, आउटपुट जीरो है या वन है, ट्रू है या फॉल्स है, तो ये दीज आर द डिफरेंसेस। अच्छा, इसके लिए एक अलजेब्रा की जरूरत है। ठीक है, इसके लिए अलजेब्रा की जरूरत है इस डिजिटल सिस्टम को जो है इस डिजिटल सिस्टम को हमें जो है रिजॉल्व करने के लिए हमें एक अलजेब्रा की जरूरत है। तो एक बूडी वाज अ साइंटिस्ट, तो उसके नाम पर एक अलजेब्रा ड्राइव हुआ, बूलियन अलजेब्रा। इस अलजेब्रा का जो पर्पस है क्या है कि इससे जो है मैथमेटिकली ऑपरेशन जो है बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है, फॉर एग्जाम्पल प्लस के और मल्टीप्लिकेशन के, वो सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, थ्रू लॉजिक गेट्स। ठीक है, थ्रू लॉजिक गेट्स, लॉजिक ऑपरेशंस। तो द बूलियन अलजेब्रा इज अ टाइप ऑफ अलजेब्रा इन विच वी अप्लाई द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन थ्रू लॉजिक ऑपरेशंस। ठीक है, तो लॉजिक ऑपरेशन में सबसे पहले हमारे पास है एंड गेट, एंड ऑपरेशन और एंड गेट। ठीक है, ये हमारे पास ऑपरेशंस हैं, बेसिक ऑपरेशंस। ठीक है, उसके बाद जो है मेरे पास आ गया सेकेंड और ऑपरेशन, और थर्ड वन इज नॉट ऑपरेशन। ये तीन बेसिक हैं, इसके बाद जो है फर्दर इनसे मिलके बनते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं और ऑपरेशन की।
और ऑपरेशन या और गेट, फिर हम इसी को और गेट में स्टडी करेंगे। चले पहले और ऑपरेशन की बात करते हैं। तो और ऑपरेशन में क्या है, जो स्विचेस हैं वो पैरेलल लगे होते हैं, सॉरी स्विचेस, रेजिस्टर नहीं स्विचेस। यहां पे हमने एक बल्ब लगाया हुआ है, प्लस माइनस, दिस इज एस वन, दिस इज एस टू। इनमें से कोई एक भी क्लोज है तो यहां से जो करंट जाता है, कोई एक भी क्लोज हुआ तो करंट जो है फ्लो होगा और बल्ब जो है वो लाइट अप हो जाएगा। सो इट्स मीन के हमारे पास जो और ऑपरेशन है वो बेसिकली पैरेलल ऑपरेशन है, पैरेलल है, ठीक है। स्विचेस किस में है, स्विच पैरेलल है। तो और गेट कैसे होगा, और गेट के लिए हम ट्रू टेबल बनाएंगे। और वो टेबल कैसे बनेगा, एक इनपुट ए है, एक बी है, टू इनपुट्स हो सकती हैं, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन आउटपुट एक ही होगी, दैट इज एक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। और का मतलब होता है एडिशन। तो मेरे पास अगर जीरो आ रहा है तो ये भी जीरो है, तो जीरो प्लस जीरो जीरो, और अगर जीरो वन है मतलब ये कि बी क्लोज्ड है ए ओपन है, तो आंसर क्या आएगा, जीरो प्लस वन वन। और इसी तरह मेरे पास आता है वन जीरो, तो वन का मतलब है क्लोज्ड, कौन सा स्विच क्लोज्ड है, ए स्विच क्लोज्ड है ए, और बी जो है वो ओपन है, बी जीरो है। तो यहाँ पर ये बात हो रही है, मैं इसको डिफरेंट कलर से, ताकि मतलब ये है रेड से मैंने इसको लिखा हुआ है, मतलब ए क्लोज्ड है ए वन है, ठीक है। तो वन प्लस जीरो वन, और लास्ट ऑप्शन है वन वन, मतलब बोथ आर क्लोज्ड, तो आंसर क्या आएगा, वन नॉट टू। टू क्यों नहीं आया, इट्स अ बूलियन, अ बाइनरी ऑपरेशन, कंप्यूटर के जरिए से हो रहा है तो बाइनरी ऑपरेशन है, तो टू आता है तो टू पे डिवाइड करेंगे, तो टू वंस आर टू कम्प्लीटली, तो आंसर रिमाइंडर जीरो है लेकिन आंसर वन है, तो हम यहाँ पर वन लिख लेंगे, जीरो को स्किप कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ऐसे स्टार्ट होता है इसके जितने भी नंबर्स होते हैं, तो वन जीरो, तो वन लिख लिया है, जीरो को लेफ्ट कर दिया। अच्छा, इसी तरह हम जाते हैं एंड ऑपरेशन की तरफ। एंड ऑपरेशन की तरफ, एंड गेट एंड ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टू स्विचेस हैं, बट स्विच ए इज, ए एंड बी आर कनेक्टेड इन सीरीज, और यहां पे बल्ब लगा हुआ है, इट्स अ पॉजिटिव, इट्स अ नेगेटिव। तो यहां से जब करंट जाएगा, तो जब तक दोनों क्लोज नहीं होंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है, दिस इज ए, दिस इज बी, इसको हमने स्टार्ट करना है कि दोनों, अगर मेरे पास जो है फॉर एग्जाम्पल दोनों ओपन है तो जीरो जीरो होंगे, ठीक है, दोनों ओपन है तो जीरो जीरो है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इस तरह से एक, सबसे पहली बात यह है कि एंड ऑपरेशन या गेट जो है ये डॉट है, एंड मैस्क में कॉन्सेप्ट इसका होता है डॉट का, और का प्लस का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डॉट बी, ठीक है, हमने फर्स्ट ले लिया, सेकंड ले लिया, थर्ड ले लिया और फोर्थ ले लिया ऑप्शन, हमारे पास ये इनपुट्स आउटपुट्स के लिए मैंने ले ली। फॉर एग्जाम्पल दोनों जो है मेरे पास जीरो है, जीरो जीरो, दोनों ओपन है, ये देखें फर्स्ट केस में दोनों ओपन थे, तो जीरो इंटू जीरो जीरो। और इसी तरह अगर मेरे पास आता है, एक ओपन है एक क्लोज है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, तो सी हियर इट विल बिकम वन नॉट जीरो। तो अब ये वन है और वो फिर भी जीरो है, तो वन इंटू जीरो आंसर क्या आएगा, जीरो, ठीक है। लेकिन अब जो है मेरे पास, अब
अब मैं क्या करूंगा कि जो है फर्स्ट को ओपन ही रहने देता हूँ, सेकंड को क्लोज कर देता हूँ. इट इज वन, इट इज जीरो. तो जीरो वन, आंसर जीरो. अब दोनों को क्लोज कर देते हैं. जब दोनों क्लोज हो जाएंगे, इसको ब्लू कलर से, बोथ आर क्लोज, ठीक है, ये भी वन हो गया, ये भी वन हो गया. क्लोज का मतलब वन होता है, वन 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 इंटू वन वन. ओके, सो आंसर विल बी वन. जब दोनों इनपुट से करंट आएगा तो फिर वन, और इसका सिंबल जो होता है एन का, यहाँ पे डी सा बना होता है, ठीक है, ए बी, और दिस इज एक्स विच इज इक्वल टू ए डॉट बी. ठीक है, अगर मैं प्रीवियस पे जाऊं तो उसका सिंबल कैसे बना होगा, इसका सिंबल बना होता है कर्व सा, ठीक है, और यहां से ऐसे, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, ऑल साइड्स आर कर्व. ए बी इनपुट्स ए दो से ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन आउटपुट एक ही होगी. ठीक है, तो ये उसका डायग्राम आ गई, ये एंड गेट की आ गई. ठीक है, अब हम जाते हैं और गेट की, नॉट गेट की. नॉट गेट में बेसिकली, नॉट इज बेसिकली इन्वर्टर, दिस इज कॉल्ड इन्वर्टर. ठीक है, और इसमें हम नॉट ऑपरेशन में बेसिकली इसकी डायग्राम जो बनती है वो इस तरह से बनती है कि अगर मेरे पास एक रेजिस्टर, एक बल्ब है, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर मैंने एक बैटरी लगाई है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर मैंने दो स्विचेस पैरेलल लगाए हैं. इट्स अ पैरेलल, विल वर्क पैरेलल, इट्स अ रेजिस्टर, और यहाँ पर एक स्विच लगाया, यहाँ पर मेरे पास बल्ब आ गया, बैटरी यहाँ लगाए, यहाँ लगाए, एक ही बात है. सो आई हैव टू कंफर्म कि यहाँ अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ तो बल्ब ऑन होगा. नो, यहाँ पे मैं स्विच लगा देता हूँ, स्विच इसी के साथ लगाता हूँ. मैं इसी के साथ स्विच लगाता हूं. आप देखें, अगर स्विच ओपन है तो बल्ब जो है वो लाइट है, बल्ब को फिर यहां पर लगाना पड़ेगा हमें. ठीक है, और अगर मैं यहां पे बल्ब को लगाता हूं तो बल्ब लाइट अप हो जाएगा. ओपन पर जीरो है तो करंट क्योंकि यहां से सारा गुजरेगा तो ओपन हो जाएगा. अगर क्लोज है तो ठीक है, रेजिस्टर ना लगाएं, रेजिस्टर को रहने दें, सिर्फ हम जो है वो लगाएंगे, क्या कहते हैं, स्विच लगाएंगे, और कुछ नहीं लगाते. बल्ब की अपनी भी एक रेजिस्टेंस होती है, फिलामेंट होता है इसमें. फॉर एग्जांपल, इट्स अ वन स्विच, एक इनपुट होती है. अगर आप इसकी डायग्राम देखें तो इट्स अ लाइक अ ट्राइंगल, और एक है तो इसको ए बार कर देते हैं, बार मीन इन्वर्टर. इसके आगे बबल भी लगी होती है, नॉट की ऑपरेशन है इन्वर्टर के लिए, कि ये सिग्नल जीरो है तो वन, वन है तो जीरो. फॉर एग्जांपल यहां से करंट आता है, यहां से करंट आ रहा है, तो अगर स्विच ऑन है तो इट्स मीन के जीरो है. सिग्नल क्या होगा, ए, और एक्स इज इक्वल टू ए बार आउटपुट के लिए. अगर जीरो है तो यहाँ पे स्विच ओपन है, इट्स जीरो, तो करंट सारा का सारा यहां से बल्ब से गुजरेगा ऑटोमेटिकली, और बल्ब क्या होगा, लाइट अप होगा, तो यू विल से वन, आउटपुट वन. लेकिन अगर जो है यहाँ पर आपने इनपुट जो है वो वन दे दिया, इट्स मीन इसको क्लोज कर दिया, ठीक है, वन कर दिया, तो आप देखें कि अगर वन है तो करंट कहाँ से जाएगा, बल्ब से गुजरेगा ये पाथ यूज करेगा. सो करंट विल यूज इजिएस्ट वे, वो इधर उधर नहीं फिरेगा, वो करंट जो है वो इजिएस्ट वे को सिलेक्ट करेगा. क्योंकि जैसे एक बच्चा हो, एक्टिव हो, उसके सामने एक साइड पे लेडर है, एक साइड पे स्लाइड है, तो वो लेडर को नहीं यूज करेगा, वो स्लाइड को यूज करेगा. ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो सारा का सारा करंट इधर से गुजर के यहाँ से होता है, वो बाहर चला जाएगा, बल्ब ऑफ ही रहेगा. तो अगर वन है तो बल्ब जीरो, आउटपुट जीरो. तो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द गेट्स. बाकी फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें आपको जो इसके नॉर गेट्स हैं उनके बारे में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. थैंक यू.